क्वेश्चन 8 राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से ग्रेटर कौन कौन से होंगे? नेगेटिव हमें 4 लिखने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो -20 से ग्रेटर का मतलब हुआ कि हम राइट में जाएंगे, -20 के राइट में जब हम जाएंगे तो इस तरह से आएंगे -19 -18, तो वो नंबर्स हमको लिखने हैं। तो ए के आंसर में आ जाएंगे -19 -18 -17 एंड -16। इसके बाद में बी पार्ट आता है इसका, वो कहते हैं कि राइट फोर नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। -10 से लेस देन का मतलब हुआ कि इधर को चलेंगे लेफ्ट में -10 के, तो -11 -12 ये वाले आएंगे, -11 -12 -13 एंड -14 ये हो गया। तो इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। इसको हमें करेक्ट करके भी लिखना होगा। तो फर्स्ट है इसके अंदर -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। तो क्या -8 जो है राइट में है -10 के? यस, अगर हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई तो देखिए ये 0 है इसके, और ये -1 -2 एंड -3 एंड -4 एंड सो ऑन, इस तरह से ही चलता चला जाएगा। तो आगे चलकर हम देखेंगे तो माइनस पहले क्या आएगा, -8 पहले आएगा, -8 फिर आगे चल के -10 आएगा। तो कहते हैं -8 इज टू द राइट ऑफ -10। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, -8 को राइट में बता रहे हैं ये, -8 राइट में है और -10 लेफ्ट में है, तो यस इट इज ट्रू। इसके आगे बना देंगे हम ट्रू। नेक्स्ट आता -100 इज द राइट ऑफ -50। -100 क्या राइट में है? -50 इधर आएगा और -100 इधर आएगा। तो कह रहे हैं क्या -100 राइट में है? नो, तो ये हो गया फॉल्स। तो इसका इन्होंने सही करके भी लिखना होगा हमको। तो हमें इसका अपोजिट लिख देंगे, -50 यहाँ लिख देंगे। देखिए -50 इज द राइट इज टू द राइट ऑफ -100, ये इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा ऑन द नंबर लाइन। इसके बाद में आ जाता है स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1, नो फॉल्स हो जाएगा। निगेटिव इंटीजर जो होता है स्मॉलेस्ट वाला इन्फिनिटी हो जाएगा, -1 से इधर चले जाएंगे लेफ्ट में तो क्या होगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इट इज इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा ये। -26 इज लार्जर देन -25, -26 इधर होगा और -25 राइट में होगा, तो राइट वाला ग्रेटर होता, तो फिर इसमें क्या करें, -26 लार्जर, नो फॉल्स हो जाएगा ये। इसको भी हमें अपोजिट करके लिखना होगा, मतलब हम इसको इसे लिखते थे -25 इज ग्रेटर देन -26। नेक्स्ट आ जाता है ड्राई नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग, एक नंबर लाइन ड्रा करनी है और इनके आंसर देने हमें। ए पर है ड्रा ए नंबर लाइन विल वी रीच ऑफ वी मूव फोर नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। -2 के अगर हम राइट में जाएंगे, राइट ऑफ -2 कितना चलेंगे, 4। तो देखिए हमें एक नंबर लाइन ड्रा करनी होगी, पहले हम एक नंबर लाइन यहां पर ड्रा कर लेते हैं कोई सी। देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन है और इस पर हमें क्या चीज बनानी है, सबसे पहले -2 को कह रहे हैं ये, -2 के फोर नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। तो पहले हम इधर -2 ले लेते हैं, -2 है अगर ये, तो इधर आएगा -1, फिर आएगा देखिए 0, फिर आएगा देखिए यहाँ पर 1, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इस तरह से आता चला जाएगा ये। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट ए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ए पार्ट में क्या होगा, -2 के राइट में 4 चलना है, -2 के राइट में 1 2 3 4 चलेंगे हम, तो यहां पर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2 आ जाएगा। -2 के राइट में चलेंगे, -2 के राइट में इधर चलेंगे तो 1 2 3 4, तो वी विल गेट 2, इट विल बी 2। नेक्स्ट बी में आ जाता है विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1, 1 के
लेफ्ट में चलना है हमको। देखिए बी पार्ट में यहां बना देता हूं, इसका जो बी पार्ट है दिस इज द बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कर रहे हैं ये, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव फाइव नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ वन, वन के लेफ्ट में फाइव नंबर्स चलना है हमें। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन, दिस इज जीरो, दिस इज माइनस वन एंड दिस इज माइनस टू, फिर माइनस थ्री, माइनस फोर, इस तरह से चलता जाएगा ये। तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, ये बी पार्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बी नंबर डाल दिया ये। तो बी में क्या है, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव फाइव नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ वन, वन के लेफ्ट में फाइव चलना है हमको। तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो वी विल हियर नाउ इट इज फोर। नेक्स्ट पार्ट हमारा से आता है, इफ वी आर एट माइनस एट, तो इसमें एरो बना देते हैं हम। इधर से इधर चले थे, ये एरो आ गया, इसमें एरो इधर बनाएंगे हम। देखिए इधर से इधर चले थे हम, इसके हम एरो भी बना देते हैं ऐसे करके। नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा सी, इफ वी आर एट माइनस एट ऑन द नंबर लाइन, अगर हम माइनस एट पर हैं, ये इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच माइनस थर्टीन। तो अगर माइनस एट इधर है तो माइनस थर्टीन तो इधर होगा लेफ्ट में, तो क्या लिखेंगे इसके आंसर में सी। आंसर इसका सी का क्या होगा, आंसर टू द सी, आंसर ए, आंसर बी एंड आंसर सी यहां पर आ गया। इफ वी आर एट माइनस एट ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच माइनस थर्टीन टू द लेफ्ट, तो यह आ जाएगा यहां पर टू द लेफ्ट। तो थर्टीन पर, माइनस थर्टीन पर पहुंचने के लिए हमें लेफ्ट में चलना होगा। इफ वी आर एट माइनस सिक्स ऑन द नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन पर हम माइनस सिक्स पर हैं, तो इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच माइनस वन, माइनस वन पर पहुंचने के लिए किधर चलना होगा, टू द राइट, टू द राइट आंसर।